गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कल हमने डिटरमिनेंट का फर्स्ट पार्ट किया था, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे सोल्व करी जाती है, उसके हमने किए थे माइनर और कोफैक्टर। अब हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। पहले हम करेंगे चैप्टर 5 और बाद में डिटरमिनेंट पर वापस आएंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में भी आपको सिर्फ वही काम करना है जो कल हमने सीखा था। हमने निकालना है माइनर और कोफैक्टर, इसलिए पहले हम करेंगे चैप्टर 5, फिर हम करेंगे चैप्टर 4। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, मान लो मैट्रिक्स ए है और आप क्या निकालना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर की क्या बना लेंगे एक मैट्रिक्स। हमें पता है कैपिटल ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता था, कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाल के उसका क्या कर दें आप ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाता है एडजॉइंट ए। तो बहुत ही इजी है। तो अगर आप मैं कहूँ कि एडजॉइंट क्या होगा आपके पास, को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के को फैक्टर की मैट्रिक्स बना के उसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ए। जैसे कि एग्जांपल से हम इसको सोल्व करते हैं, मान लीजिए आपके हैं 1, 2, 3 एंड 4, एक 2x2 मैट्रिक्स की हेल्प से हम पहले इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है एडजॉइंट निकालने के लिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो अब देखिए कोफैक्टर ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए यहाँ पर चार ही एलिमेंट हैं, a11 a12 a21 एंड a22, a11 जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल a11 से, यानी कि कोफैक्टर ऑफ a12 a21 एंड a22। a11 के लिए अब आप देख लीजिए बहुत ईजी है, हमें पता है कि कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं -1 की पावर i+j। कोफैक्टर हम कैसे निकालते थे, -1 की पावर i+j इंटू माइनर। तो हमें पता है अब ये नंबर देख लीजिए आप, अगर इनका सम इवन है तो इनके आगे कोई साइन मत लगाइए, ओड है तो पहले ही क्या लेके चल पड़िए -1। 1+2 3 -1 ले लिया, 2+1 3 -1 ले लिया, 2+2 4 इवन नंबर, 1+1 4 इवन नंबर। इसके लिए हमें बार बार साइन अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या निकाल दीजिए इसके माइनर, तो 1 का माइनर क्या आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़ दिए, कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए, क्या मिला मुझे 4। 2 का माइनर 3, तो कोफैक्टर आपके पास आ गया -3। 3 का माइनर 2, तो कोफैक्टर आ गया -2। 4 का माइनर 1। अब हम एडजॉइंट ए अगर आपको निकालना है तो एडजॉइंट क्या होगी, सिंपली उसके कोफैक्टर की क्या निकाल बना लीजिए मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे ही उनके कोफैक्टर रखने हैं, 4 -3 -2 एंड 1, और इसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को लिख लीजिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को लिख लीजिए सेकेंड कॉलम, तो ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट ए। ये था आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का की मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे 3x3 ऑर्डर के लिए, मान लीजिए ए है आपके पास कोई भी मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट है 1 2 3 3 -2 4 4 -3 1, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स ऑफ ए, फर्स्ट होगा आपके पास a11, सेकंड होगा आपके पास a12, थर्ड होगा आपके पास a13, नेक्स्ट a21, नेक्स्ट a22 एंड नेक्स्ट a23, नेक्स्ट a31, नेक्स्ट आएगा a32 एंड नेक्स्ट आएगा a33। फिर भाई हम जिसका भी सम नंबर, जिन भी दो नंबर का सम ओड है उसके आगे पहले ही क्या लगा लीजिए -1, क्योंकि हमें पता है -1 की पावर हमें क्या करनी है i+j। अब हम क्या कर निकाल लेते हैं माइनर, अब 1 का माइनर हमने बताया था, 1 a11 का माइनर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़िए और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आपके पास बचेगा -2 4 -3 एंड 1 विच गिव्स -2 प्लस 12 विच गिव्स आंसर 10। तो अब आगे से हम, अब नेक्स्ट में हम डायरेक्टली लिखेंगे, 2 का माइनर 3 1 जा 3
माइनस फोर फोर जा 16, 3 माइनस 16 कितना आया माइनस 13। होल आंसर क्या आया आपके पास 13। A13 माइनस के 9 और प्लस के 8 कितना आया आपके पास माइनस 1। A21 कितना आया 2 प्लस 9 11। होल आंसर क्या आ गया प्लस 11। A12 कितना आया आपके पास, ये छोड़ने हैं आपको तो कितना आया आपके पास, ये एलिमेंट छोड़ेंगे तो 1 माइनस में 12 माइनस 11। नेक्स्ट A23 के लिए आप ये एलिमेंट छोड़ेंगे क्या आएगा माइनस का 3 और माइनस का 8 माइनस 11। होल आंसर इज प्लस 11। A31 के लिए 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6 रिजल्ट आया हमारे पास प्लस 14। नेक्स्ट 4 माइनस में 9 दैट इज माइनस 5 होल आंसर इज 5। A33 के लिए माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस 8। अब हमें क्या निकालना है इसका एडजॉइंट। देन एडजॉइंट आपके पास क्या आया, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर उनके को फैक्टर रख दीजिए 10 13 माइनस 1 11 माइनस 11 11 14 5 माइनस 8 और उसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज विच गिव्स 10 13 माइनस 1 11 माइनस 11 11 45 एंड माइनस 8। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ए। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए। आज हम अब इनवर्स और निकालना सीख लेंगे हम, क्योंकि ये दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, फिर हम कल पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आता है इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स अगर आपके पास इनवर्स निकालना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स। उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैंने अभी आपको निकालना सिखाया है, डिटरमिनेंट वैल्यू कल हम निकालना सीख चुके हैं। अब पहले एक एग्जांपल लेंगे 2x2 ऑर्डर का। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 6 8। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए इनवर्स, अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंडीशन है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और आप नोट कर लीजिए यहीं पर, इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया 2 8 जा 16 माइनस में 6 4 जा 24 माइनस 8 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको मेंशन करना है सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास आ चुका है, आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ए। तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम कोफैक्टर ऑफ ए। A11, A12 है तो पहले ही क्या लगा लीजिए माइनस वन। A21 है तो पहले ही किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस वन से। एंड नेक्स्ट A22 A12 gives 6 होल आंसर इज माइनस 6 gives 4 होल आंसर इज माइनस 4 gives 2। तो आपके पास आ गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आया आपके पास 8 माइनस 6 माइनस 4 2 ट्रांसपोज विच गिव्स 8 माइनस 6 माइनस 4 एंड 2। देन ए इनवर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास माइनस 8 और आ गया 8 माइनस 4 माइनस 6 एंड 2। तो ये आपके पास क्या आ गया आपका ए इनवर्स। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 3x3 ऑर्डर। सेकंड है आपके पास मैट्रिक्स ए है आपके पास मान लीजिए 2 3 4 5 6 4 4 3 एंड 2।
फिर अगेन आपको फाइंड आउट करना है फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किस पे डिपेंड करेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए पर। तो हम इस किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग बाय आर वन। हम मोस्टली उसी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे जिसमें क्या होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आया, हमने पढ़ा था एक बार फार्मूला, मैं आपको बता देता हूँ। ए डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर रो वन से आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो होगा ए इलेवन एलिमेंट बाय मल्टीप्लाइड बाय दो डेट टू को फैक्टर, ए वन टू एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दो डेट को फैक्टर, ए वन थ्री एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट को फैक्टर। तो यहाँ पर ए वन वन एलिमेंट क्या मिला हमें, टू, माइनस वन को फैक्टर के लिए माइनस वन की पावर क्या आ गई, वन प्लस वन, और क्या बचा, टू बाई टू ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमारा बचा सिक्स फोर थ्री टू, प्लस में ए वन टू एलिमेंट, ए वन टू एलिमेंट हमारा क्या है थ्री, माइनस वन की पावर क्या आ गई वन टू एलिमेंट के लिए, वन प्लस टू, क्या बचा आपके पास फाइव फोर फोर एंड टू, एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बच गया आपके पास। नेक्स्ट आता है फिर प्लस ए वन थ्री एलिमेंट, ए वन थ्री एलिमेंट क्या है फोर, तो फोर इंटू माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, और क्या बचा आपके पास फाइव सिक्स फोर थ्री, फाइव सिक्स फोर एंड थ्री। इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस वन की पावर इवन पावर गिव्स प्लस वन टू, इसको सोल्व कैसे करेंगे, सिक्स टू जा ट्वेल्व, माइनस में फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस में माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन एंड थ्री, तो विच गिव्स होल आंसर क्या हो गया आपके पास माइनस थ्री, फाइव टू जा टेन, माइनस में फोर फोर जा सिक्सटीन, एंड दिस गिव्स प्लस फोर, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस में सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, दिस गिव्स टू इंटू ज़ीरो, माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स, प्लस फोर इंटू माइनस नाइन, विच गिव्स ज़ीरो, प्लस एटीन, माइनस में थर्टी सिक्स, माइनस एटीन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ, जो आपकी थी टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोर एंड फोर थ्री टू। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पिछले पेज आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए लिखी गई है। अब हम क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। फर्स्ट को फैक्टर इज ए वन वन, नेक्स्ट इज ए वन टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, क्योंकि हमें पता है को फैक्टर में क्या करा जाएगा, माइनस वन की पावर आई प्लस जी, तो पहले ही हम लगा लेते हैं। को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री, ए टू वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, ए टू टू, ए टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, ए थ्री वन, ए थ्री टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, ए थ्री थ्री। अभी को फैक्टर को निकालते हुए आपको बड़े ध्यान से अपनी कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज़ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ए वन वन के लिए हम क्या करेंगे, क्या आया, सिक्स टू ज़ा एट, नहीं सॉरी, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, माइनस में फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, विच गिव्स आंसर ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ फाइव टू ज़ा टेन, माइनस में फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, टेन माइनस में सिक्सटीन गिव्स माइनस सिक्स, होल आंसर इज सिक्स। ए वन थ्री, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस में सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, फिफ्टीन माइनस वन ट्वेंटी फोर गिव्स आंसर माइनस नाइन। ए टू वन, ए टू वन के लिए ये लीजिए, ए टू वन, थ्री टू जा सिक्स, माइनस में फोर थ्री जा ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व गिव्स माइनस सिक्स, सो होल आंसर इज सिक्स। नेक्स्ट ए टू टू, ए टू टू के लिए लीजिए, टू टू जा फोर, माइनस में फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर माइनस में सिक्सटीन गिव्स माइनस ट्वेल्व। नेक्स्ट ले लीजिए, टू थ्री जा सिक्स, माइनस में ट्वेल्व, सिक्स माइनस में ट्वेल्व गिव्स माइनस सिक्स, सो होल आंसर इज सिक्स। ए थ्री वन, ए थ्री वन एलिमेंट ये है आपका, इसको हाइड कीजिए, थ्री फोर जा ट्वेल्व,
माइनस में 6 4 जा 24, 12 माइनस 24 गिव्स -12। A32 एलिमेंट ये है आपका A3, और 2 एलिमेंट लीजिए 2 4 जा 8, माइनस में 5 4 जा 20, 8 माइनस 20 गिव्स -12, सो होल आंसर इज 12। A33 2 6 जा 12, माइनस में 5 3 जा 15, 12 माइनस 15 गिव्स -3। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ए, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर उनके को फैक्टर रखिए 0 6 -9 6 -12 6 -12 12 एंड -3, और क्या कर दीजिए इसका ट्रांसपोज विच गिव्स 0 6 -9 6 -12 6 -12 12 एंड -3। देन ए इनवर्स इज गिवन बाय मैट्रिक्स एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आया हमारा -18 1/18, तो -1/18 इंटू में 0 6 -12 6 -12 एंड 12 -9 6 एंड -3 विच गिव्स ए इनवर्स। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। तो अगर आप अपना को आंसर चेक करना चाहते हैं तो ए को ए इनवर्स से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। अगर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आपका इनवर्स ठीक है, अदरवाइज ये क्या है आपका गलत। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हुए को फैक्टर